Students, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani from Silver Bells. Today we are going to do the part 2 of lesson number 8, mapping your way. कल मैंने आपको बताया था part 1 में कि किस तरह से बच्चे गए थे इंडिया गेट पे परेड देखने के लिए. So आज क्या देखेंगे हम लोग, waiting for the parade. बच्चे परेड के लिए स्टार्ट होने तक वेट कर रहे थे वहाँ पे. While waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. वो वहाँ पे जब बच्चे वेट कर रहे थे परेड के लिए, तब कंचा और उसके फ्रेंड्स सोच रहे थे कि ये परेड खत्म कहाँ होगी, कहाँ तक जाके ये परेड खत्म होगी. कंचा is carrying a newspaper in which the route of the parade is written. कंचा के पास एक न्यूज़पेपर है जिसपे पूरा मैप बना हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये परेड कहाँ पे ख़त्म होगी. सो परेड विजय चौक से स्टार्ट होती है, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बीए जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और रेड फोर्ट तक जाएगी. सी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप दिया गया है और यहाँ पर परेड स्टार्ट होगी विजय चौक से और ख़त्म होगी आके यहाँ पर रेड फोर्ट पे. मैंने आपको ये वाला मैप करवाया था पिछले पार्ट 1 में, जिसमें सारे मेजर दिए गए थे कि कितना, जैसे मैंने बताया था कि गार्डन और स्कूल में कितना डिस्टेंस है सेंटीमीटर में दिया हुआ था और हमने कन्वर्ट किया था किलोमीटर में. ये वाला पेज भी उसी के जैसा ही है, लेकिन इसमें ऐसा है कि प्रॉपर मेजर दिया हुआ नहीं है. सो एग्जाम में हम लोग उसी को रिफर करेंगे जहाँ पर प्रॉपर मेजर सेंटीमीटर में दिया गया हो मैप में. सो हियर लुक, हियर हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन. ये बच्चा ऐसे मैप में देख के बता रहा है कि यहाँ पर इंडिया गेट है और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है. मैंने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन एक दूसरे को फेस करते हैं. एंड लॉन्ग रोड बिटवीन देयर इज राजपथ, और जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का जो रोड है, लॉन्ग रोड, वो है क्या है उसका नाम, राजपथ. ऑन दिस मैप इट इज अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज सेम एज 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. ये मैंने आपको कल वाली एक्सरसाइज में भी करवाया था कि 4 सेंटीमीटर का मेजर कितना है, स्केल कितना दिया गया है, 2 किलोमीटर. लेट्स गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ इज. अब बच्चे बोलते हैं कि हम गेस करते हैं कि राजपथ कितने मीटर्स लॉन्ग होगा. यू आर राइट, सी इट इज रिटन एट द बॉटम ऑफ द मैप ऑफ दिस मैप स्केल 2 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर. तो ये बच्चा बोलता है यहाँ पर मैप के नीचे देखो स्केल में लिखा गया है कि 2 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर. माई मदर टोल्ड मी इट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट. इसकी मम्मी ने बताया था कि विजय चौक से इंडिया गेट 2 किलोमीटर तक का रास्ता है. सो हियर मार्क द रूट, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ. अब ये जो मैप आपका दिया गया है इस तरफ, वहाँ पर आपको बताना है, ट्रेस करना है इंडिया गेट से. इंडिया गेट से आपको कहाँ तक बताना है, इंडिया गेट एंड राजपथ, उसको ट्रेस करना है. तो इस तरह से आप इसमें ट्रेस कर सकते हैं कि इंडिया गेट यहाँ पर है और राजपथ, राजपथ ये वाला रास्ता है, इसे आपको इसमें मार्क करना है. अंडरस्टूड? इस तरह से आपको यहाँ पर इंडिया गेट से मार्क करना है राजपथ को. ये रास्ता स्ट्रेट जो है वो है राजपथ. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड. सबसे लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है? तो अगर हम लोग ऐसे ही देखेंगे कि लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है, तो हमें दिखाई देगा यहाँ पर सुभाष मार्ग ये, और यहाँ पर ये सुभाष मार्ग, इतना ये लॉन्गेस्ट दिख रहा है. लेकिन अगर हम लोग रेड फोर्ट तक जाने का रास्ता देखेंगे, तो ये तिलक मार्ग से लेकर ये, यहाँ से ये लॉन्गेस्ट
रोड है रेड फोर्ट तक पहुंचने का। सी यहाँ पर मेजर्स नहीं दिए दिए हैं, इसीलिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली आंसर कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको मेजर के साथ आएगा तो आपको प्रॉपर मेजर करके आंसर बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू जॉइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार विल शी विल हैव टू वॉक। अगर रूबिया जामा मस्जिद से आती है परेड ज्वाइन करने के लिए, सी परेड यहाँ पर है जामा मस्जिद और ये इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो मे बी ये 1 किलोमीटर हो। अंडरस्टूड, यहाँ पर मेजर नहीं दिया हुआ है तो हम कोई अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट इज द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग, हमें बताना है कि टोटल रूट कितना होगा, कितना लॉन्ग रूट होगा परेड का। सो हियर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू द अप्रोक्सीमेट आंसर, इट मस्ट बी 8 किलोमीटर्स। नाउ एज द परेड पासिस बाय दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एन एलिफेंट, जैसे परेड पास होती जा रही है तो बच्चों ने क्या देखा, कुछ बच्चे एलिफेंट पे बैठे हैं। दिस चिल्ड्रन हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड्स, ये जो बच्चे एलिफेंट पे बैठे थे ना उन्हें ब्रेवरी अवार्ड्स मिला है, कुछ बहादुरी का काम किया होगा उन्होंने इसीलिए उन्हें ब्रेवरी अवार्ड्स मिले थे। दे ऑल्सो एंजॉय द कलरफुल डांसेज एंड एरोबिक्स बाय स्कूल चिल्ड्रन, परेड में बच्चों ने क्या देखा, कलरफुल डांसेज। आपने देखा होगा टीवी पे भी रेड फोर्ट पर जब परेड होती है तो डांसेज होते हैं और कुछ बच्चे स्कूल के बच्चे कुछ एरोबिक्स भी परफॉर्म करते हैं। दे वॉन्ट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट, बच्चों को परेड फॉलो करनी है कहाँ तक, रेड फोर्ट तक। गप्पू हैज सीन रेड फोर्ट बिफोर एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप, गप्पू ने ऑलरेडी रेड फोर्ट देखा है, वो पहले ही अपने पेरेंट्स के साथ कभी गया होगा रेड फोर्ट में और वो अपनी ट्रिप के बारे में बच्चों को सबको बताता है। नाउ हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे ट्रिप टू रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के अंदर क्या क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। व्हेन वी रीच रेड फोर्ट देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स, रेड फोर्ट में अंदर जाने के लिए पहले हमें टिकट खरीदनी पड़ती है, तो जब ये बच्चे परेड देखने गए उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सभी को देखना होता है ना रेड फोर्ट पे जाके परेड को जो दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत लंबी लाइन थी। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट, जो मेन एंट्रेंस है रेड फोर्ट का उसे लाहौरी गेट कहा जाता है। आफ्टर एंटरिंग इट वी टर्न लेफ्ट इंटू अ लॉन्ग कॉरिडोर विद द लिटिल शॉप्स ऑन बोथ द साइड्स, जब रेड फोर्ट में एंटर किया हमने तो क्या देखा, उस कॉरिडोर के दोनों तरफ दोनों साइड्स की तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उसे कहा गया है मीना बाजार। I bought some lovely bangles from there for my sister. मैंने वहां से मीना बाजार से अपनी बहन के लिए बैंगल्स खरीदे। See, you can see here, ये मीना बाजार है जहां पर दुकानें लगती है। ये रेड फोर्ट की पिक्चर है और ये देखो एरो किया गया है, ये लाहौरी गेट है, यहां से रेड फोर्ट में एंटर किया जाता है। यहां पर मैप दिया गया है रेड फोर्ट का, सी यहाँ पर है यमुना रिवर, ये रेड फोर्ट है, यहाँ से लाहौरी गेट से एंटर करेंगे तो पहले आएगा मीना बाजार, फिर आएगा नगर खाना, देन दीवाने आम दीवाने खास मोती मस्जिद हमाम आराम ग्रह रंग महल, इस तरह से पूरा हमें दिया गया है मैप। ऑन द नेक्स्ट पेज ये दिया गया है पूरा पिक्चर एलोब्रेट करके, जो मैंने आपको मैप में दिखाया उसका एक एक पिक्चर यहाँ पे दिया गया है एलोब्रेट करके। सो हम देखेंगे, ये है नगर खाना, नगर खाना मीन्स वेर ड्रम्स वर बीटन टू शाउट आउट द किंग्स मैसेजेस, किंग का मैसेज पता है आपको, जैसे बोलते हैं ढिंडोरा पीटना, ढिंडोरा पीट के वहाँ के जो सर्वेंट्स थे किंग के वो किंग का मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे। यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नगर खाना एंड रीच दीवाने आम, जब नगर खाना से हम सीधे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे दीवाने आम में। दिस इज वेयर द किंग यूज टू मीट द कॉमन पीपल, यहां पर दीवाने आम में राजा कॉमन लोगों से मिलते थे।
इसीलिए इस जगह का नाम है दीवाने आम। वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम वी सॉ रंग महल। जब हम दीवाने आम से सीधा जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? रंग महल। इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। रंग महल ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। देयर वर थ्री मोर बिल्डिंग्स ऑन आवर लेफ्ट साइड। लुक फॉर दीज ऑन द मैप। रंग महल के लेफ्ट साइड में तीन और बिल्डिंग्स है, हम देखें यहाँ पर मैप में। यस, ये है रंग महल। यू कैन सी यह रंग महल। और उसके लेफ्ट साइड में यानी इस तरफ पे तीन और बिल्डिंग्स है, आराम ग्रह, हमाम और मोती मस्जिद। वी वॉक लेफ्ट फ्रॉम रंग महल दीवाने खास। रंग महल के जब लेफ्ट में हम लोग गए तो वहां पे था दीवाने खास। दीवाने खास वॉज वेयर द किंग यूज टू मीट हिज मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट मीन्स खास पीपल। दीवाने खास में जो किंग है वो अपने खास लोगों के साथ ही मीटिंग रखते थे, उनके मिनिस्टर्स और उनके खास लोग। देन फ्रॉम द राइट रंग महल, आराम ग्रह एंड दीवाने खास है। सी यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई देगा, ये रंग महल है। रंग महल के इनसाइड की तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई गई है और दीवाने खास की भी अंदर की तस्वीर। आई थिंक सो आप लोग, बहुत सारे लोगों ने रेड फोर्ट गए भी होंगे, देखा होगा वहाँ पे ये सब चीज़ें। ओके, नाउ फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4, हमें बताना है विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू रिवर यमुना। दीवाने आम और दीवाने खास, तो हम मैप में देखेंगे कि दीवाने आम या दीवाने खास रिवर यमुना के पास में कौन सी जगह है। तो ये है रिवर यमुना। दीवाने खास यहाँ पर है और दीवाने आम यहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं ना दीवाने खास पास में है। रिवर यमुना के नज़दीक कौन सी जगह है? दीवाने खास। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे दीवाने खास पर। नाउ बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज आराम ग्रह। आरामगाह कहाँ पर है? आरामगाह ये है, आरामगाह। ये कौन सी दो बिल्डिंग्स के बीच में है? तो ये रंग महल एंड दीवाने खास के बीच में है। सी ये आरामगाह है और ये बिल्डिंग है दीवाने खास और ये बिल्डिंग है रंग महल। सो वी विल राइट हियर विच टू बिल्डिंग्स जब पूछा गया है तो दीवाने खास एंड रंग महल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिल्डिंग डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू द हमाम। जब हम रंग महल से हमाम की तरफ जाते हैं, ये रंग महल है, और रंग महल से जब हमाम की तरफ जाते हैं तो कौन सी दो बिल्डिंग्स बीच में आती है? तो ये आरामगाह और दीवाने खास, ये दो बिल्डिंग्स हमाम जाने के बीच में आती है। नाउ नेक्स्ट इज विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज फार्देस्ट फ्रॉम मीना बाजार। अब मीना बाजार से फार्देस्ट यानी सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है? तो ये है मीना बाजार। सबसे फार्देस्ट बिल्डिंग कौन सी होगी इसकी? यू कैन टेल मी। सबसे लास्ट बिल्डिंग आरामगाह। सबसे दूर है आरामगाह, मीना बाजार से सबसे दूर है आरामगाह। या तो हम दीवाने खास भी बोल सकते हैं कि सबसे दूर दीवाने खास है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दिया हुआ, तो हम दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। नाउ अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। अब लाहौरी गेट, वेयर इज लाहौरी गेट? हियर यू कैन सी ये रहा लाहौरी गेट। लाहौरी गेट दीवाने खास, यहां पर है दीवाने खास। तो इसका हमें मेजर बताना है कि ये कितना दूर है। सो ये लाहौरी गेट और दीवाने खास का मेजर है लगभग 500 मीटर।
500 मीटर, ये कितना दूर है? 500 मीटर. अंडरस्टूड? विद दिस योर पार्ट टू इज ओवर. टेक आउट योर बुक एंड रिवाइज दिस विथ माई वीडियो. थैंक यू.